शक्ति मंत्री ने मनाया शताब्दी दिवस। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के संगम नगरी की, जहां आज चौरी चौरा कांड पर शताब्दी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सायंकाल दीप प्रज्वलन एवं पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन कार्यक्रम का किया गया। मंत्री जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने चौरी चौरा महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को सायंकाल चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम स्थल को दीप मालाओं से सजाया गया। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन बजाई गई। इस अवसर पर आईजी केपी सिंह, जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार एवं जनप्रतिनिधि गणों के अलावा संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। आजादी की लड़ाई में हमारे प्राणों की आहुति दे करके भारत माता को आजाद कराया, उनको सबको नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक बड़ा कार्यक्रम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और महामहिम राज्यपाल जी के इस सोच के आधार पर चौरी चौरा को ध्यान में रखते हुए 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। और यह कार्यक्रम 1 साल तक लगातार चलेगा और चौरी चौरा कांड में शहीद हुए अमर वीर सपूतों के लिए आज चौरी चौरा कांड पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट भी 5 रुपये का जारी किया है। मैं समझता हूँ कि अमर शहीदों के प्रति यह बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद, शहीदों के सपनों का भारत बनाने की जो प्रेरणा आज भारत के कोने कोने में इस कार्यक्रम को जिस तरीके से लोगों ने उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं, बच्चों को एक नई सीख मिली है और आज हमारा भारत जिस प्रगति के रास्ते पर जा रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान उन अमर शहीदों का है जिनके कारण से भारत माता को आज़ादी मिल पाई है। आज हम आज प्रयागराज में हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के श्री चरणों में पुष्पांजलि करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और ऐसे ही अनेकों अमर शहीदों के कारण से ही भारत माता को आज़ादी मिल पाई है। आज का यह कार्यक्रम उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी घोषणा किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, यह कार्यक्रम साल भर चलेगा। राष्ट्र धुन के माध्यम से, पुलिस की बैंड के माध्यम से उन अमर शहीदों को राष्ट्र धुन बजा करके भी श्रद्धांजलि होगी। काव्य गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और लगातार अमर शहीदों के श्री चौड़ों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम चलता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है प्रयागराज से, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, समर्थन करते हैं? चंद्रशेखर आजाद हम सब लोगों के प्रेरणा हैं। चंद्रशेखर आजाद निश्चित रूप से अमर शहीदों की उस अमर पंक्ति में हैं जिनके माध्यम, जिनका आशीर्वाद हम पूरे भारतवासियों को मिलता है और उन्हीं के श्री चरण में रह करके हम सब लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद को आज हम विनम्र श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं। बैठे हुए होते तो कितनी लाठियां आपके ऊपर पड़ी होती, आप गिन नहीं सकते थे, आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे नौजवान साथी, युवा साथियों, आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये अद्भुत क्षण है, ये दिव्य क्षण है। मैं सोचता हूं कभी कभी, चौरी चौरा का कांड तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था और 4 फरवरी 1922 के पहले मेरा भारत कैसा था, 17वीं शताब्दी का भारत कैसा था, 16वीं शताब्दी का भारत कैसा था, 3री शताब्दी का भारत कैसा था, 19वीं शताब्दी से लेकर के अब तक के भारत की जो स्थिति है उसको जरा आप देखिए। और आज देखते देखते हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं। जब चौरी चौरा कांड की चर्चा हो, माहौल था जो कि 1921 में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने जो गीत लिखा था और वो इस तरह का स्वतंत्रता आंदोलन जिस तरह से अपनी ऊंचाई पा रहा था उसका एक कल्मिनेशन था, उसका एक एक प्रमाण था। और वो गीत मैं आपसे कहता हूँ, उसको आप फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। सर